नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी आप सभी लोगों का मेरे से ज्योतिष मंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। हाल ही में सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी करके सभी स्कूल्स के हेड को बताया है कि इस बार जो आप फीस ले रहे हैं बच्चों से, उस फीस में परिवर्तन किया गया है, उस फीस में वृद्धि की गई है। वो वृद्धि भी कितनी, 2400%, यानी 1-2% की बात नहीं रही, 2400% की वृद्धि की गई। मतलब कुल मिला के 24 गुना, जो लास्ट ईयर जो एग्जाम फीस लेते थे उससे 24 गुना ज्यादा फीस इस साल ली जाएगी। अब ये 24 गुना फीस क्यों ले रहे हैं, किन बच्चों से 24 गुना फीस ले रहे हैं, इसके पीछे का क्या तर्क उन्होंने दिया है, इसी बारे में आज हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप सीबीएसई से जुड़े हैं, किसी भी अपडेट को पाना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि लास्ट ईयर 10th और 12th की एग्जाम फीस क्या थी। तो लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि 750 लास्ट ईयर एग्जाम फीस थी 10th क्लास की, 5 सब्जेक्ट्स की। तो इस साल उन्हीं बच्चों को 750 जो बच्चे दे रहे थे, उन बच्चों को अब 1500 रुपये देना है। यानी कि जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, उनको 750 की बजाय इस साल 1500 रुपये, यानी 1500 रुपये पे करना है एग्जाम फीस। और जो बच्चे ST SC कैटेगरी में आते हैं, उन बच्चों को जो लास्ट ईयर तक ओनली 50 रुपीज पे करते थे एग्जाम फीस, उन बच्चों को इस साल से 1200 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो ST और SC वाले जो बच्चे हैं उनकी फीस 24 टाइम इंक्रीज हुई है, जबकि सामान्य वर्ग की फीस जो है वो डबल इंक्रीज हुई है, क्योंकि उनकी पहले से बहुत ज़्यादा फीस थी, इसलिए इनकी उनकी फीस डबल इंक्रीज हुई है। और जो ST SC वाले बच्चे हैं उनकी 24 टाइम इंक्रीज हुई है। और ये जो फीस है ओनली 5 सब्जेक्ट की फीस है, क्योंकि देखो 12th में 5 सब्जेक्ट होते हैं, कोई सी भी स्ट्रीम में जाइए 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो ये 5 सब्जेक्ट की फीस है। इस और इसी तरह से जो 10th क्लास है उसमें इस साल से 6 सब्जेक्ट हुए हैं, तो उन 6 सब्जेक्ट की जो फीस है वो 1500 रहेगी सामान्य वर्ग के लिए, और 1200 रहेगी SC और ST वाले बच्चों के लिए। अब बात करते हैं अगर कोई एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जैसे मैथ साइंस के बच्चे हैं लेकिन उन्होंने बायो भी ले रखा है, या कोई बायो साइंस के बच्चे उन्होंने मैथ भी ले रखा है, ऐसे एडिशनल सब्जेक्ट जो लेते हैं उस एडिशनल सब्जेक्ट लास्ट टाइम तक, यानी सामान्य वर्ग के बच्चे को जो लास्ट टाइम उनको 150 रुपये देना पड़ता था, इस साल से उन्हें 300 रुपये पर सब्जेक्ट देना पड़ेगा। यानी अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट लेते हो तो आपको 300 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से देना पड़ेगा। उसी टाइप से अगर आप ST और SC वाले बच्चे की बात करें तो लास्ट ईयर तक उन्हें कोई भी ऐसा अमाउंट नहीं देना था, लेकिन इस साल से उन्हें भी 300 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा पर सब्जेक्ट के लिए। साथ ही हम प्रैक्टिकल पेपर जो होते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम के जो पेपर रहते हैं, उनकी भी हम बात कर लेते हैं। तो लास्ट ईयर तक जो प्रैक्टिकल एग्जाम के पेपर होते थे, यानी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाले जो पेपर होते थे, उनको आप ओनली 70 रुपये पे करते थे, यानी 70 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको पे करना रहता था, लेकिन इस साल आपको 150 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। जैसे मान लो फिजिक्स का प्रैक्टिकल होता था, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होता था, बायो का प्रैक्टिकल होता था, 10th में साइंस का प्रैक्टिकल होता था, तो ये आप इसके ओनली 70 रुपये पे करते थे, लेकिन इस साल से आपको 150 रुपये पे करना पड़ेगा। अब हम ये जानते हैं कि ये जो बढ़ोतरी है वो क्यों की गई है, इसके पीछे उन्होंने तर्क क्या दिया है। तो CBSE बोर्ड ने ये तर्क दिया है कि पिछले 5 ईयर से उन्होंने किसी भी तरह से फीस में इंक्रीमेंट नहीं किया था, फीस नहीं बढ़ाई थी, इस कारण से उन्होंने ये फीस बढ़ाई है। और दूसरा रीजन ये दिया है कि बाकी जो बोर्ड्स हैं, जैसे ICSE बोर्ड है या ऐसा जो भी बोर्ड है, उन बोर्ड की फीस ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, हमारी तो बहुत कम है, मतलब CBSE की बहुत कम है, इस कारण से हमने भी हमारी फीस को बढ़ा दिया है। ये दो रीजन दिए हैं फीस बढ़ाने के। तो कैसा लगा आपको वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा।